गाइस, गुड मॉर्निंग. आज तीज फेस्टिवल है एंड मैं नहा ली हूँ और मैंने पूजा भी कर ली है. बट मैं अभी रेडी नहीं हुई हूँ क्योंकि घर का सारा काम मुझे ही करना है, तो इसलिए अभी मैं रेडी नहीं हुई हूँ. सारा काम करने के बाद मैं रेडी होऊँगी. तो अभी मैंने अपने कपड़े भी घर के ही पहन रखे हैं, लोअर टी शर्ट. तो मिलती हूँ मैं आपको थोड़ी देर में. तो गाइस, ये आप सोच रहे होंगे मैं क्या कर रही हूँ. तो ये हमारे में जो छोटी प्लेट में रोटी रखी है वो पानी फेर के ये गाय को दिया जाता है. और ये जो दो थाली में खाना है ये मेरे ससुर और मेरे देवर दोनों को पहना पूछ के दिया जाता है. तो वही मैं कर रही हूँ. ये इसमें ये यहाँ की रीत है. अब जो करते हैं उन्हें पता होगा. और ये फाइनली तीज के लिए घेवर भी आ चुका है और इसमें से आधा खा भी लिया है. दो चकली आई थी, एक चकली फिनिश हो गई. ये एक बच्ची है और मैं वीडियो बनाना शूट करना भूल गई थी, तो मुझे याद है मैंने कहा मैं घेवर की भी वीडियो बना लेती हूँ. तो गाइस, मैंने टेलर से ये सूट लिया था अपने लिए तीज के लिए, पर मैंने बहुत सिंपल लिया क्योंकि मैंने घर डेली यूज के लिए लिया है. ये घर के लिए, बाहर में ज़्यादा जाती नहीं हूँ और बाहर जाती हूँ तो मैं जींस टॉप पहन के जाती हूँ, तो इसलिए मैंने सिंपल सा सूट ओनली एक दिन के लिए पहनने के लिए लिया था. तो मैंने बहुत ही सिंपल लिया, कुछ ज़्यादा ही सिंपल ले लिया. तो गाइस, आज तीज के दिन मेरे देवर ने देखो मेरे लड़के बेटे को साइकिल दी है. उसको बहुत दिनों से मांग रहा था ये इसको उसको तीज के दिन ये साइकिल ला के दिए. वैसे एक साइकिल थी वो थोड़ी सी इससे बड़ी है, वो मेरी बड़ी बेटी की साइकिल है. वो भी इसके चाचा ने इसे गिफ्ट की थी और ये बहुत दिनों से रो रहा था चाचा से, तो आज चाचा ने इसे भी साइकिल फाइनली दिलवा दी है. अंशु हैप्पी ऊपर देखो, बोलो हैप्पी हो. ओके, इन दोनों मेरे बच्चों के वही आए हैं जो इन्हें पसंद है. मेरी बेटी को पिंक कलर पसंद है तो उसकी साइकिल पिंक कलर की लेके आए थे, और इसको ब्लू कलर पसंद है तो इसकी साइकिल ब्लू कलर की लेके आए थे. दोनों की साइकिल उन्होंने ही दिलवाई है. देखो इसका, आती है अपनी साइकिल की सारी पन्नी निकाल के फेंक दी इसने, अलगा पड़ा है अकेले. हेल्प करूँ? लो कर दी, मम्मी की हेल्प तो हो रही है पर मम्मी से निकल कुछ नहीं रहा है. मची निकला है. क्या निकला है? पन्नी निकाल, तो तू ही निकाल. मैं हेल्प करूंगी. बहुत हेड पेन हो रहा और पन्नी कैसा कैसा लग रहा है यहाँ पे. ऐसा लग रहा है जैसे पक गया हो सर मेरा. तीज के दिन आज सोली में पूरे दिन मैंने कुछ नहीं किया. सुबह जल्दी नहाई थी ना, ठंडे मौसम में बरसात का मौसम चल रहा है तो ठंडा मौसम में ठंडे ठंडे पानी से नहा गई और मेरा पूरा सर दर्द हो रहा है. दिन में सो गई तो रात का खाना तो बनाना नहीं है, बस रोटी रोटी बनानी है क्योंकि मॉर्निंग में पनीर और उड़द और चावल पूड़ी बनी थी. तो पनीर और उड़द रखी है तो मेरे को अब रोटी रोटी बनानी है, तो मैं वो बनाऊँगी आज. तो ज़्यादा काम है नहीं मेरे पास आज, मॉर्निंग में कर लिया सब. तो गाइस, ये तीज का दूसरा दिन है. मैं आपको कल बता रही थी कि मेरा हेड पेन हो रहा है और मेरा रात में बहुत हेड पेन हुआ, तो मैंने एक मेडिसिन ले ली थी और मैं मॉर्निंग में पूरे दिन सोती रही हूँ. अब दूसरा दिन है तो मैंने सोचा अपना जो व्लॉग है वो थोड़ा एडिट कर लेती हूँ. तो मैंने देखा कि मैंने एंडिंग तो की ही नहीं है अपने व्लॉग का, तो ये आज शाम के 5 बज रहे हैं और मुझे अब फीवर भी आ चुका है, ठंडा फीवर. मेरे को बिल्कुल ठंड लग के फीवर आता है और बिल्कुल सुन पड़ जाती हूँ, तो किसी को पता नहीं चलता कि मुझे फीवर हो रहा है करके, क्योंकि मैं गर्म नहीं होती. फीवर में सब गर्म होते हैं, मैं बिल्कुल बर्फ़ जैसी ठंडी हो जाती हूँ. तो मैं अपना व्लॉग यहीं पर एंड कर रही हूँ. अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना. कुछ दिनों बाद मेरा हरिद्वार का ट्रिप बन रहा है, तो फिर मैं वहाँ पे आपको अच्छे अच्छे व्लॉग दिखाऊंगी. थैंक यू, नमस्ते, बाय.